मोदी सरकार चीन के साथ कशीदगी को फिर से हवा देने लगी और भारत ने मशरकी सरहद पर फौज की तादाद में इजाफा करना शुरू कर दिया। बुलवान वाकये के बाद भारत और चीन में कशीदगी एक बार फिर सर उठाने लगी। भारत ने रियासत अरुणाचल प्रदेश के मशरकी जिले इंजाओ में फौजियों की तादाद में इजाफा करना शुरू कर दिया, जबकि चीन इस इलाके का दावेदार है। दूसरी जानिब भारत के फौजी और हकूमती अहदेदारों ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के तासर को रद्द कर दिया। इंजाओ की इंतजामिया सरबराह युशी सुदान का कहना है कि फौजियों की तादाद में इजाफा किया गया है, लेकिन जहाँ तक लड़ाई का ताल्लुक है तो अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। उन्होंने तस्दीक की कि गुलवान वाकये के बाद फौजियों की तैनाती में इजाफा किया गया है और इलाके में भारतीय फौज की कई बटालियन तैनात की गई हैं। ताहम गुलवान वादी के इलाके में चीन के साथ तसादुम से पहले ही फौजियों को भेजने का अमल शुरू कर चुके थे। उधर भारतीय फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवर्धन पांडे कहते हैं कि फौजियों की नकलो हरकत के हवाले से तशवीश की कोई बात नहीं, बल्कि ये मामूल की सरगर्मी है। फौजी तर्जुमान के मुताबिक बुनियादी तौर पर यह यूनिट के तबादले का मौका है। जो कुछ हो रहा है वो मामूल के मुताबिक हो रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है।